7 लाइव टीवी। आज देश में एक और पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है, तो वहीं टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई ने चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। जी हां, केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया है। और बड़ी बात यहां ये है कि इन तीनों पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी से हटाने के साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी दे दिया है। और ये खबर टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई के कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों के लिए बेहद चिंता वाली है। वहीं सोमवार को चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा भी वापस ले लिया। आयोग ने सोमवार को एक आदेश जारी किया जिसमें उत्तर प्रदेश में रालोद, आरएलडी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके और पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी खत्म कर दिया है। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने आप यानी कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का ये दर्जा दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों रकांपा, भाकपा और तृणमूल कांग्रेस का दर्जा वापस लिया जाता है। बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी ही अब केवल राष्ट्रीय दल है। आयोग ने कहा है कि रकांपा और तृणमूल कांग्रेस को हाल ही में हुए संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नागालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब घोषित किया जाता है, कोई पार्टी आखिर कब राष्ट्रीय पार्टी बनने की हकदार होती है, और आम आदमी पार्टी ने अब तक ऐसा क्या कर दिया कि चुनाव आयोग ने उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया। सबसे पहले अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी में बनने की बात करें तो उस पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा चुनावों में 2% सीट जीतनी पड़ती है, या उस पार्टी के पास कम से कम 3 राज्यों के चुनावों में 2% सीट होनी चाहिए, या कोई दल 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीते तब वह राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। यानी कि कम से कम 11 सीटें जीतना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर यह 11 सीटें किसी एक राज्य से ना होकर बल्कि 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। इसके अलावा या फिर कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में से 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। और चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राज्यों 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली समेत पंजाब में सत्ता में बनी हुई है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद से पार्टियों की आपसी पलटवाजी तेज हो गए हैं। वहीं भाजपा ने टीएमसी पर कड़ा हमला बोला है, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा है कि टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी, इन तीनों में सीपीआई राष्ट्रीय पार्टी थी, टीएमसी और एनसीपी क्षेत्रीय पार्टियां थी, बीच में इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश तो काफी की, खासकर टीएमसी ने। टीएमसी ने अपने कोयला तस्करी के पैसे से गोवा, असम और मेघालय में भी गई, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी और अब इनका राष्ट्रीय दर्जा भी चला गया, या तो होना ही था। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि चुनाव आयोग ने टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया है। टीएमसी ने अपने राष्ट्रीय दर्जे को बरकरार रखने के लिए पूरे देश में काफी पैसा खर्च किया है, लेकिन वो उसे बरकरार नहीं रख पाए। ये तो होना तय था, पैसा खर्च कर कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन सकती। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय दल होने का दर्जा मिला है। ईश्वर हम सबको, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शक्ति दे कि वो इस पार्टी को आगे ले जा सके, इसके साथ ही पूरे देश को भी वो आगे ले जा सके। इस खास मौके पर अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, सबको
बहुत बधाई, देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। आज लोगों ने हमें इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर सके। मैं केजरीवाल के इस ट्वीट का जवाब देते हुए भगवंत मान ने भी सभी को बधाई दी है। अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि चुनाव आयोग के इस एक्शन से इन पार्टियों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले फायदे की बात करें तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने से क्या क्या फायदे होंगे। अब से आम आदमी पार्टी देश में कहीं पर भी चुनाव लड़ सकेगी, किसी भी राज्य में अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी। वहीं पार्टी को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है, यानी कि वह चिन्ह दल के लिए रिजर्व हो जाता है। कोई और पार्टी उस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। वहीं चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी मान्य किया जाएगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोलने की हकदार भी हो जाती है, जिसके लिए सरकार को ही कोई बिल्डिंग या जमीन उस पार्टी को देना होगा। इसके साथ ही दल चुनाव प्रचार में 40 स्टार कैंपेनर को पार्टी उतार सकती है और उन स्टार प्रचारकों पर होने वाला खर्च पार्टी प्रत्याशी के चुनाव खर्च में शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही पार्टी को चुनाव से पहले दूरदर्शन आकाशवाणी के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए भी एक तय समय मिलेगा। वहीं अगर कोई पार्टी से राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन जाता है तो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह ईवीएम या बैलेट पेपर की शुरुआत में दिखाई नहीं देता। और चुनाव आयोग जब भी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा तो ये जरूरी नहीं कि उस पार्टी को भी बुलाया जाए। इसके अलावा पार्टी से राष्ट्रीय दर्जा छीनने पर पार्टी की पॉलिटिकल फंडिंग भी प्रभावित हो सकती है और दूरदर्शन और आकाशवाणी में मिलने वाला टाइम स्लॉट भी छीन जाता है। और चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 20 कर दी जाती है। इसके साथ ही चुनाव में राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को अलग अलग चुनाव चिन्हों की भी जरूरत पड़ती है। आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी।